ना यार, कभी कभार तो अपने इस आईने से तरस खा ले। हम लोग बायोलॉजी लैब में जा रहे, किसी पार्टी शार्टी में नहीं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, कैसी है मेरी जीन्स? इम्पोर्टेड है? इम्पोर्टेड? हाँ, मेरे भैया ने यूएसए से भेजी है, अमेरिका। स्मार्ट लग रहा हूँ ना आज मैं। अच्छा होता अगर तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए हेयर डाई भेजते, अभी तो तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं। 3 साल में तुम तो गंजे हो जाओगे। बस बस। ए, वो देखो मनोज के साथ कौन आ रही है। नेहा, तुम ना बहुत अच्छी हो नेहा, और ना तुम्हारे ना तुम्हारा ना ये सूट भी बहुत अच्छा है नेहा। मनोज, अरे मनोज, कॉलेज आ गए तुम? हाँ, अब नेहा मैं तुमको बाद में मिलता हूँ। नहीं नहीं मनोज, रुको ना, रुको। मैं बाद में मिलता हूँ। अरे मनोज, रुको ना, रुको। हाय मनोज, क्या बात है नेहा, इतने दिनों से तू मनोज से बात करना भी पसंद नहीं करती थी, और आज सडनली इतना हंसते खेलते बात करने लगी है, चक्कर क्या है? हाँ, क्या ये नाटक? क्या बात कर रहे हो तुम लोग, मैंने तो आज तक मनोज के बारे में कोई बुरी बात नहीं कही है, और तू क्या उल्टा सीधा बोले जा रही है? मनोज मेरा दोस्त है और मुझे बहुत पसंद है, खबरदार अगर उसके बारे में कुछ कहा तो थप्पड़ मारूंगी। क्या हो गया ये लड़की को, कल तक मनोज की इतनी बेइज्जती करती थी, आज उसके प्यार में पड़ गई, माला जप रही है उसकी। मनोज ने इस पर क्या जादू किया? मंजिल नहीं किनारा। अच्छा ये क्या है, एनसाइक्लोपीडिया? बाप रे, काफी बड़ा नाम है। हाय हाय यार, मैं 15 दिन से ताश के पत्तों के जादू की प्रैक्टिस कर रहा था, इस बार तो मामला जम गया है। तो फिर आ गया वापस एक फ्लॉप जादू लेके आया। यार अजय, तू हमेशा हम लोगों को बोर क्यों करता है, वैसे भी हमेशा तेरी जादू पिटती है। नहीं रीना, इस बार तो मामला एकदम फिट है, कसम से। अच्छा चल रीना, इसमें से एक पत्ता निकाल। ओह नो, नॉट अगेन। निकाला? हाँ हाँ निकाला। हाँ अब बताऊँ तेरे हाथ में क्या है? पता? तेरे हाथ में हुकुम का इक्का है। ये रहा तुम्हारे हुकुम का इक्का। यार अजय, तू और कोई काम क्यों नहीं करता? अरे यार इस बार फिर से गलत निकला। 15 दिन से प्रैक्टिस कर रहा था। और एक जादू दिखाओगे? दिखाओ। बेचारे की शक्ल तो देखो कैसी हो गई है। हाय नेहा। हाय मनोज। हाय मनोज। हाय हाय। क्या कर दिया तूने? मैं नहीं पेट खराब कर दिया। चाय का डाक हम निकलेगा भी नहीं। मैंने जानबूझ के नहीं किया विनय। I'm sorry। Sorry के बच्चे, इसके पैसे तो क्या तेरा बाप देगा? I'm sorry। मैंने जानबूझ के नहीं किया विनय। विनय पोटर चीन तेरे। ये क्या हो रहा है? I'm sorry। Thank you ma'am। विनय, तुम हमेशा किसी न किसी का गला दबाते रहते हो। Sorry मैडम। It's okay। इस बार तो बच गया, बाहर मिलने दे, कीमा बना दूंगा कीमा। सॉरी अंकल, मैं आज फिर से आपके पास चला आया। अंकल माफ कीजिए, लेकिन आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। अंकल आप नहीं जानते, उसका गुस्सा बहुत खतरनाक है। अंकल अंकल वो पता नहीं मेरी क्या हालत बना देगा। अंकल अंकल आज तो उसने मेरा गला पकड़ लिया था। अंकल 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 उसके गुस्से के बारे में सोच के मेरा दिल कांप उठता है। अंकल मेरी मदद कीजिए प्लीज। करूंगा बेटा, जरूर करूंगा तुम्हारी मदद, घबराओ मत। हाँ ये तो बहुत छोटी सी बात है, इससे बड़ी बड़ी मुसीबत का हल मेरे पास लिखा हुआ है, मेरी इस किताब में। ठहरो, आई स्वाई ट्राई फ्री ऑफ दिस, यही है मेरा फॉर्मूला, इंग्रेडिएंट कैन करिया। Ich bin sie kreativ, Raschka!
गया मेरा फॉर्मूला तैयार, हो गई तेरी मुसीबत तो हो गई। क्या अजय, क्या हॉस्पिटल हॉस्पिटल बोल रहा है तू? तू विनय का गुस्सा जानता है ना? अरे तंबी, विनय के लिए चाय लाना और सुन थोड़ा ठंडा करके। तंबी चाय लेके जाना भाई। ₹2000 की जींस थी, पता है भैया कितना नाराज हो गए। ये लो चाय पी लो। और कहने लगे अगर अपनी चीजें संभाल के नहीं रख सकते हो तो फिर इम्पोर्टेड चीजें मांगते क्यों? आने दो उसको, मैं उसकी बोटी बोटी कर दूंगा। ए, वो देख बस नाम लिया और सामने हाजिर। अच्छा बच्चू, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते थे? भगवान बचाए मनोज को। अरे घबरा क्यों रहे हो? रिलैक्स। तुम तो मेरे दोस्त हो ना, आ चाय पीते। ए थंबी, एक स्पेशल चाय लाना। और क्या हाल है? मैं ठीक हूँ विनीत, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। I don't believe this. ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। अरे यार विनय, कैसा अजीब है तू। हाँ अभी एक सेकंड पहले तो मनोज की हड्डी पसली एक करने की बात कर रहा था और अब उसी से दोस्ती का नाटक कर रहा है। क्या बकबक कर रहा था? मैं भला मनोज को क्यों मारने लगा? अरे ये मेरा दोस्त है यार। अरे इसी ने तो तुम्हारी जींस पर चाय गिराई थी, तुम कितना गुस्सा हुए थे। जींस चाय? क्या भैंकी भैंकी बातें कर रहे हो तुम? बैठो कुछ खाते हैं, चलो बैठो। जींस और चाय। I don't believe this. समझ में नहीं आ रहा उस मनोज के बच्चे ने तेरे पर क्या जादू कर डाला। फिर वही जादू? यार मुझे ऐसी कोई बात याद नहीं है। विनय, विनय आज सुबह शीतल भी कैंटीन में थी। हाँ तो उसने मनोज को तुम्हारी चाय में कुछ डालते हुए देखा। क्या क्या बोल रही हो तुम? क्या मिला था मेरी चाय में? मुझे लगता है कि उसने ऐसी कोई चीज डाली है जिसकी वजह से तुम अपनी याददाश्त खो बैठे और तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो गया। लेकिन वो क्या चीज डाल सकता है? ऐसे किसी केमिकल के बारे में मैंने पहले तो नहीं सुना था। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम लोग क्या बात कर रहे हो। सच बोल, तूने विनय की चाय में कुछ मिलाया था ना? मैं कुछ क्यों मिलाऊंगा? देख बता दे तूने मेरी चाय में क्या मिलाया था? तुझे किसी ने देखा था चाय में कुछ डालते हुए? चल तेरी जेब बता। नहीं चल, मेरी जेब में कुछ नहीं है। मेरी जेब में कुछ नहीं है। इधर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अब बता बच्चू ये क्या चीज है? अच्छा तभी तो मैं सोच रहा था कि आजकल जब भी तू मुसीबत में फंसता है फटाक से कैसे निकल जाता है। और नेहा, नेहा कल तक तो तेरी दुश्मन थी, आज अचानक दोस्त कैसे बन गई? मनोज तू जरूर कुछ कर रहा है। नहीं नहीं, देख अब मान ले और बता। हमें वो किताब हथियाना ही होगा, उसके बाद अपनी चांदी चांदी। पागलपन की बात मत कर, हम लोग तो बाल बाल बच गए, तुम्हारी बेवकूफियों ने तो हमें मरवा ही दिया था। देखा नहीं क्या क्या हो रहा था वहाँ पर? हाँ यार अजय, उसकी बातें तू दिमाग से निकाल दे, वो आदमी बहुत खतरनाक है, उससे तो दूर ही रहना अच्छा है। अरे यार तुम लोगों ने ठीक से देखा नहीं उसमें क्या क्या लिखा था। उस किताब में सब कुछ लिखा था, मैंने पढ़ा था, जैसे हवा में कैसे उड़ा जा सकता है, सैकड़ों साल कैसे जिया जा सकता है, समझे? ऐसी सी बातें लिखी हुई थी उस किताब में। अच्छा हाँ और क्या, बस एक बार वो किताब मिल जाए उसके बाद दुनिया मेरे कदमों में होगी। नहीं बाबा, काउंट मी आउट, मैं उस खतरनाक आदमी से कभी नहीं मिलना चाहती। अच्छा मेरे पास एक तरीका है, हम लोग उससे मिलेंगे भी नहीं और अपना काम भी हो जाएगा। तुम्हारे अंकल बहुत नाराज होंगे ना? नहीं नहीं, तुम उस दिन की बात को भूल जाओ अभी। तुम्हें पता है मैंने अंकल को कितनी मुश्किल से शांत किया था? नहीं मैं घर जा रहा हूँ अभी, मेरे अंकल इंतजार कर रहे हैं। अरे मनोज मनोज मेरी बात तो सुनो,
हम लोग तुम्हें ट्रीट देना चाहते हैं। वो रॉक्सी में जो पिक्चर लगी हो तुम देखना चाहते थे ना? हाँ। देखो मैं टिकटें भी लेके आई हूँ, हम खाना खाएंगे, पिक्चर देखेंगे। हाँ? नहीं नहीं, मैं कॉलेज से सीधा घर जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो, नेहा भी आ रही है। नेहा भी आ रही है? हाँ। और अगर एक दिन तुम देर से चले गए तो फिर कौन सा तूफान आने वाला है? हाँ? अब मान भी जाओ ना, कितना नखरे दिखा रहे हो। ठीक है चलो चले। हेलो 55232। हाँ एक्सीडेंट हो गया साहब, विठल रोड पे। अब 20-25 साल का लड़का है साहब, उसकी जेब में पैकेट था, उसमें से नंबर मिला साहब। ओह माय गॉड, क्या हो गया मेरे मनोज को? ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? एक्सीडेंट कैसे हो गया बेचारे का? नहीं जानता हूं कि आपको फोन किसने किया है, मैं तो पिक्चर देख रहा था। जाओ पहले लाइट ऑन करो। चलो जी। अंकल अंकल आपके साथ मजाक किया है किसी ने बिना बात का? बिना बात के नहीं, जानबूझकर सोच समझ कर ये बात की गई है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये फोन किसने और क्यों किया मुझे। कमबख्त कहीं। वो देखो मेरा शक सही था, मेरा शक सही था। मेरी किताब यहां से गायब, मेरी किताब यहां से गायब है। अंकल अंकल लेकिन ये किताब यहाँ से जा कहाँ सकती है? अंकल क्या आपको लगता है कि किसने चोरी की, और शायद इसीलिए उसने आपको फोन किया? क्यों? बंद करो थोड़ी देर के लिए, और मुझे मुझे अपना काम ध्यान से कर लेने दो। कांच की तरह पंचा और मुझे सब कुछ साफ साफ देखने दो। ये देखो ये किताब मैंने पूरी पढ़ ली है, ये आग है आग, इसमें सब कुछ लिखा है, जो चाहो वो हो सकता है। बताओ क्या चाहते हो तुम? यार यार तू ऐसा कर कि ये जो मेरे सफेद बाल है ना, उनको एकदम काला कर दे। इसकी वजह से यार लड़कियों के सामने मुझे एकदम इतनी शर्म आती है। और तू ऐसा कर, ऐसा कुछ करके जिससे कि मैं कभी बूढ़ा ना हो। समझ ले, हो गया। तू बूढ़ा कभी नहीं हो सकता है, नुस्खा मिल गया। और मैं देख, तू मुझे खूबसूरत बना दे। सबसे पहले ना मेरे चेहरे का ये कलंक मिटा दे, और मुझे तो ऐसा बना दे कि मैं हमेशा हमेशा खूबसूरत बनी रहूं। समझ लो कि तुम सुंदर हो गई, सुंदर होने का नुस्खा मिल गया। ये भी समझ लो हो गया
तुम दुनिया की सबसे सुंदर इटर्नल ब्यूटी बन गई। तो सुंदर और ये अमर और मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर। उस किताब में लिखी हुई सारी चीजें हमें इस लैब में से मिल जाएगी, लेकिन हमें यहाँ तीन नदियों के संगम का पानी नहीं मिलेगा और उसका इंतजाम हमें कहीं और से करना होगा। अजय, वाकई तुम्हारा दिमाग कभी कभी चल जाता है। ये बात मेरे दिमाग में कैसे नहीं आई कि कौवे की चोच और चिपकली की पूंछ जैसी चीजें हमें यहीं पर बायोलॉजी लैब में मिल जाएंगी। तुम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, किसी के आने से पहले ही पतली गली से निकल लो। तुम लोग बॉटल में से सामान निकालो, मैं कंकाल में से हड्डियां काट लेता हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम ये सब यहाँ से उठा ले जाएंगे। सांप, मेंढक, चिपकली, कौवा, भगवान, मुझे डर लगता है। तेरे लिए, तेरी इटर्नल ब्यूटी के लिए, हमेशा की खूबसूरती के लिए, और ये विनय तेरे लिए। ये विनय तेरे लिए, तेरी जवानी के लिए। अब करीब करीब सारी चीजें डाल दी है मैंने इसमें। करीब करीब क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ रीना, सिर्फ एक चीज में लाना भूल गया। कौन सी? वो जो लिखा था ना उसमें, जहाँ तीन तरह के पानी आपस में मिलते हैं, उस जगह का पानी, मतलब उस संगम का पानी मैं नहीं ला सका। खैर ना, कोई बात नहीं, पानी तो पानी है। मैंने सादा पानी इस्तेमाल कर लिया है, अब मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा। अब सिर्फ एक बात और है। अब और क्या? हम लोगों को अपने अपने बाल काट कर अपने अपनी देगची में डालने होंगे। ये लो रीना, पहले तुम काटो। विनय, अब तुम काटो। ओ, इस जादू की किताब को बनाने वाले, अपनी इस दवाई को आशीर्वाद दे। आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे। आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप उनको किसी तरह से रोककर वो किताब वापस क्यों नहीं लेते? अंकल, वो किताब उनके पास है तो क्या हुआ? आप तो और भी जादू जानते हैं ना। किताब उनके पास होने से क्या होता है? इससे उनके पास विद्या तो नहीं आ जाएगी? अगर ऐसी बात होती तो इस दुनिया में ज्ञानी और महाज्ञानियों की कोई कमी नहीं होती। जरूरत है अकलमंदी की, अकलमंदी की। अंकल, उनको जो चाहिए था वो तो उनको मिल गया, अब और क्या हो सकता है? पता चल जाएगा, तुझे भी और उन्हें भी। और उनको तो ऐसा सबक मिलेगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अरे, दवाई बनाने का तरीका जान लेने से क्या होता है? एक चीज अगर किसी के लिए मिठाई है तो वही अब ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। क्या हमें ये पीना होगा? मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं रीना, ऑफ कोर्स नहीं। रुको, मैं बताता हूँ। रीना, मैं बताता हूँ। रीना,
अजीब लगा यार, गरम गरम लगा के बदन से बिजली का करंट पास हो गया। अब और क्या, अब और क्या, सदाबहार जवानी के लिए तैयार हो जाओ विनय। और तुम रीना सदियों तक कभी न मुरझाने वाली खूबसूरती बनोगी, और जहां तक मेरा सवाल है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन जाऊंगा। यस। पता नहीं ये पोषण अपना कमाल दिखाने में कितना वक्त लेगा, मैं बहुत थक गई हूँ। चलो हॉस्टल चलते हैं, थोड़ा आराम करेंगे। हेलो हेलो विनय, मैं रीना बोल रही हूँ। हाँ रीना बोलो। विनय मेरे साथ जादू हो गया, जादू। अरे मेरे साथ भी जादू हो गया, मेरे सारे सफेद बाल काले हो गए, आई कांट बिलीव इट। अच्छा सुनो, तुमने अजय से बात की? हाँ मैंने उसको फोन लगाया था, घंटी बज रही है, फोन कोई नहीं उठा रहा है, शायद कॉलेज चला गया होगा। विनय तुम एक काम करो, तुम भी जल्दी कॉलेज आ जाओ, ठीक है? हाँ ओके मैं आता हूँ, बाय। सारी साइकिलें ऊपर, सारी साइकिलें नीचे। अजय ये तुमने कैसे किया? जादू से, सचमुच के जादू से, ताश के पत्तों के हाथ चला के नहीं, जादू से। दिस इज द रियल मैजिक। जादूगर, ये तो वाकई जादू हो गया, अब भी विश्वास नहीं होता। ये तो कुछ भी नहीं है, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो छोटा सा नमूना था, अब मेरा जादू सारे चीज पर कंट्रोल करेगा। बेवकूफी की बातें मत करो अजय, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है अजय कि तुमने जादू की शक्ति को अपने बस में कर लिया है, जबकि सच बात यह है कि तुम खुद उस शक्ति के बस में चले गए हो। हाँ तुम तीनों ने बहुत बड़ी गलती की है। मनोज इसको जलन हो रही है और कुछ नहीं। मनोज तुम चले जाओ यहाँ से, अजय चलो प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है। नहीं यार तुम लोग जाओ, क्या है कल मैं सारी रात जादू की प्रैक्टिस करता रह गया, इसलिए सोचता हूँ अपने रूम जाकर थोड़ी नींद ले लूं। हमारे ब्रेन का दाहिना आधा हिस्सा हमारे शरीर के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, वैसे ही ब्रेन का बाया हिस्सा हमारे शरीर के राइट साइड को कंट्रोल करता है। यू नो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज फिनोमिना दैट राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरी मदद करो। क्या हो गया विनय? क्या हो गया विनय? क्या हो गया? आ!
कौन है? पता ये बुड्ढा कहाँ से आया? पता नहीं। पियून, अटेंडेंट, निकालो इस बुड्ढे को बाहर, निकालो इसको बाहर। रिलैक्स रीना, तुम ठीक हो। डॉक्टर ने तुम्हें चेक कर लिया और कहा है कि सब कुछ ठीक है। दरअसल उस बूढ़े को देखकर तुझे शॉक लग गया था और तू बेहोश होकर गिर गई थी। पता नहीं वो बूढ़ा कहाँ से आया? कॉलेज में एक बूढ़ा कहाँ से आया? Oh my God, विनय! विनय? विनय? कहाँ है विनय? पता नहीं, लैब में तो था, पर जब तू बेहोश होकर गिर गई, तब तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं बताऊँ, विनय जरूर कोई पिक्चर विक्चर देखने गया होगा। खैर, ये सब छोड़, तू थोड़ा आराम कर ले, ओके? Just relax, ओके? I'll come and see you later. Bye. मैंने क्या हो गया? मैंने देखा क्या हो गया? मैंने क्या हो गया? मगर फैन तो ऊंचाई पर था, अजय वहां पहुंचा कैसे और कट कैसे गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आपने ऐसा केस पहले कभी देखा है? नहीं मैडम। ये सब उस जादू का असर है, उसी का नतीजा है। मैं किसी तरह से अजय के रूम से ये किताब लिया देखना चाहता था। अब मेरे साथ ये क्यों हो रहा? क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा दवाई बनाते वक्त अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो जादू का असर बिल्कुल उल्टा हो सकता, बिल्कुल उल्टा। हमारी दवाई बनाते वक्त अच्छा अच्छा शायद उसमें कुछ डालना भूल गया जिसकी वजह से वो जादू पर उसका कंट्रोल वो खो बैठा। जादू हमने कंट्रोल करने लगा। मरवा दिया, मरवा दिया बेवकूफ ने। मैं हमेशा से जवान रह चुकी Oh,
ओह माय गॉड, बहुत देर कर दी बेवकूफों ने। इसे देखता हूँ। हाँ, इसको तो कम से कम बचा सकते हैं। रीना, रीना ये क्या हो गया रीना? अंकल, अंकल, अंकल देखिए। नहीं, विनय का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन लेकिन रीना की मदद मैं जरूर करूंगा। अंकल देखिए, अंकल इसे बचा लीजिए अंकल। I am trying, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये पोषण बनाना कोई आसान काम नहीं है। मैंने कहा था समाप्त करो रीना, मैंने कहा था। देखा क्या हो गया ये? दोनों दोस्तों को नहीं बचा सका, लेकिन तुम बहुत लकी थी जो बच गई। उनको अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी। जो शक्ति अपने बस में नहीं होती, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अंकल, अंकल मैंने इन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लेकिन इन लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी। नहीं मनोज, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। मुझे इस किताब को यहाँ पर नहीं रखना चाहिए था जहाँ से वो चोरी हो जाती। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि इंसान को कभी ऊपर वाले से टकराना नहीं चाहिए, उसके काम में कभी भी दखल नहीं देना चाहिए। इधर आओ मनोज, जिसको उतारो। कल मैं आज किताब को जला के रख दूंगा। बल्कि मुझे तो ऐसी चीज को पहले ही अपने पास नहीं रखना चाहिए था। नहीं रख। कुछ नहीं यार, कुछ ये जले हुए कागज हैं, कुछ अजीब सा लिखा हुआ है। तू तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है यार, तेरी किस्मत खराब हुई तो क्या हो गया? अरे वैसे तो अपना जिंदगी में कुछ नहीं बना, लेकिन लगता है इस कागज से जरूर बन जाएगा। तो क्या इसमें सोना मिल गया तेरे को? सोना? अरे इसमें जादू लिखा हुआ है, जादू। इसमें तरकीब लिखी हुई है कि आदमी बिना खाए पिए कैसे जी सकता है। तेरी बात मेरे समझ में नहीं आती। नहीं नहीं बाबा, देख 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 देख, सुन सुन सुन, वैसे भी तो भूखे रहना है ना, तो कोशिश करने में क्या हर्ज है? देख पास में जंगल है, इसमें लिखी हुई जड़ी बूटियां ढूंढते हैं, हो सकता है कि जिंदगी में खाने पीने की झंझट खत्म हो जाए। आ जा। कुछ जले हुए पन्ने दो लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है, जिस तरह पहले भी कुछ लोग बर्बाद हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। कुछ लोग जिंदगी को बहुत आसान समझते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं।
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।